तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं अपना फ्री फायर का गेस्ट आईडी को फेसबुक आईडी कैसे बनाए। एकदम सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका गेस्ट आईडी, चाहे वो न्यू गेस्ट आईडी हो या पुराना गेस्ट आईडी, वो फेसबुक आईडी बन जाएगा। मतलब आप फेसबुक पे जाओगे तो आपको वो जो गेस्ट आईडी है वो आपको मिल जाएगा। देखो यार, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो गेस्ट आईडी है, आपका गेस्ट आईडी खो जाता है, क्योंकि गेस्ट आईडी भाई गेस्ट आईडी होता है, मतलब अतिथि आईडी होता है जो आपने अब चला जाता है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो लाया हूँ ताकि आपका जो गेस्ट आईडी है, बहुत मेहनत करके बनाते हैं और जिस गेस्ट आईडी को, वो आईडी कभी खो ना जाए। और अगर आप भी नहीं चाहते कि आपका आईडी खो जाए तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले आप लोग देख लो, मैंने न्यू एक गेस्ट आईडी बना लिया है। आप लोग ओल्ड गेस्ट आईडी होगा तो भी चलेगा, या आप न्यू गेस्ट आईडी बनाओगे तो भी चलेगा। तो देख सकते हो मेरा जो गेस्ट आईडी है ओपन हो चुका है। इधर मैंने नाम सिलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है भाई नाम सिलेक्ट करने में। तो मैंने नाम सिलेक्ट कर लिया और मेरा गेस्ट आईडी ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, आप कुछ नहीं करना है, आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो आपको सिंपली इधर से सेटिंग में चले जाना है, आपका गेम का जो सेटिंग है सिंपली आपको सेटिंग में चले जाओ। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको इधर लॉगिन, आधार लॉगिन ऐसा दिख जाएगा, लॉगिन नहीं सॉरी यार, आधार लॉगिन ऐसा दिख जाए। तो आपको सिंपली फेसबुक पे टैप करना है। तो फेसबुक पे टैप करोगे, अगर फेसबुक पे आपका दूसरा कोई अकाउंट है तो आपको दिखाएगा फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी बाइंड टू अदर अकाउंट। अगर नहीं है तो जैसे टैप करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इधर क्या करना है, सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको इस अकाउंट से कोई भी फ्री फायर का अकाउंट कनेक्टेड नहीं है, तो अगर है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको लॉगिन इनटू अदर अकाउंट वाला जो ऑप्शन दिख जाएगा उस पर सिंपली टैप कर देना है। करने के बाद आपको इधर क्या करना है, फोन नंबर दे देना है जिस नंबर से आपने किसी अकाउंट बनाया हो। तो सिंपली उधर नंबर दे देना है और उसको पासवर्ड देना है, अगर आपको पासवर्ड पता है तो। और इससे आपका गेस्ट अकाउंट नहीं है या फ्री फायर अकाउंट नहीं है तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल पासवर्ड दे दिया और नंबर भी दे दिया। देने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर दिया। करने के बाद मेरा जो फेसबुक है, फेसबुक का जो अकाउंट है ओपन हो जाएगा। उसके लिए मुझे एक कोड चाहिए होगा, तो मैंने जैसे इधर आया तो एक कोड मांग रहा है, तो मैंने सिंपली गेट कोड पे क्लिक कर दिया। तो मेरा कोड आ चुका है और मुझे सिलेक्ट करने को कह रहा है, क्योंकि मैंने एक ही नंबर से दो तीन आईडी खोला था इसीलिए ऐसा आ रहा है। आप एक ही नंबर से एक ही आईडी खोल लेना यार, नहीं तो बाद में दिक्कत होता है। तो मैंने सिंपली वो जो अकाउंट मैंने खोलना चाहता उस पर टैप कर दिया। करने के बाद इधर न्यू पासवर्ड देने को मांग रहा है, तो आप भी एक काम करना, न्यू पासवर्ड दे देना है। देने के बाद क्या होगा, आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो आईडी है, आईडी ओपन हो जाएगा। मतलब ये वाला जो आईडी है, जो आईडी आपने पहले बनाया था लेकिन किसी भी अकाउंट के साथ बाइंड मतलब कनेक्ट नहीं किया है, वो आईडी आपको खोल लेना है। अगर मान लो आपके पास ये आईडी भी कनेक्टेड है दूसरा किसी भी अकाउंट के साथ, फ्री फायर अकाउंट के साथ, तो आपको सिंपली क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नाम सिलेक्ट करना है, जो भी नाम आप देना चाहते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, एकदम न्यू एक नाम देना है, के बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, तो सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, कोई भी दे सकते हो, आपका ओरिजिनल भी दे सकते हो। देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको मेल या फीमेल सिलेक्ट करना है। उसके बाद नंबर आएगा, नंबर आने के बाद आपको सिंपली नंबर देना है। उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, एक न्यू पासवर्ड देना है, मतलब क्रिएट ए पासवर्ड, एक न्यू पासवर्ड दे देना है। देने के बाद आपको क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। करने के बाद सेव या नॉट नाउ पे क्लिक कर सकते हो, सेव होगा तो फेसबुक के साथ सेव रहेगा, नॉट नाउ तो आपको फिर से पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हो न्यू एक फेसबुक अकाउंट खुल गया है। तो मैंने फिर से गेस्ट अकाउंट पे आ चुका हूँ। गेस्ट अकाउंट पे आने के बाद मैंने फिर से फेसबुक पे क्लिक किया, तो देख सकते हो सिंपली जैसे मैंने फेसबुक पे क्लिक किया तो कंटिन्यू आ रहा है और कुछ नहीं। आप लोग देख सकते हो सिंपली कंटिन्यू आ चुका है। तो मैंने जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो फ्री फायर का गेस्ट अकाउंट के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब मैं उस फ्री फायर अकाउंट को उस फेसबुक अकाउंट के साथ हमेशा खोल सकता हूँ। अब वो गेस्ट अकाउंट नहीं रहेगा, वो मेरा फेसबुक अकाउंट बन जाएगा। तो आप लोग ऐसा करता हूँ समझ गए होंगे। और एक बात ध्यान रखना, आप जैसे एक न्यू फेसबुक अकाउंट खोलोगे उसके साथ जैसे आप गेस्ट अकाउंट को कनेक्ट करोगे तो तुरंत नहीं होगा, फेसबुक क्रिएट होने के एक घंटे बाद ही जाके आप गेस्ट अकाउंट के साथ फेसबुक अकाउंट को जोड़ सकते हो। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं यार, कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं फिर से आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।